नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं। क्या इस बार रमज़ान मुबारक के पूरे 30 रोज़े होंगे या रमज़ान मुबारक के 29 रोज़े होंगे? ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या इस बार ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को होगी या 21 अप्रैल बरोज़ जुमा को होगी? नाज़रीन बहुत बड़ी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत बड़ी न्यूज़ आपको दे रहे हैं। इस बार रमज़ान मुबारक के पूरे 30 रोज़े होने का इम्कान है, ऐसा कहना है महकमा मौसमियात का। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस बार रमज़ान मुबारक के पूरे 30 रोज़े होने का इम्कान है और ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को इंशाल्लाह होगी। इस बार रमज़ान मुबारक के पूरे 30 रोज़े होने का इम्कान है और ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को मनाई जाएगी। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं, अब तक की सबसे अहम न्यूज़ आपको दे रहे हैं। इस बार रमज़ान मुबारक के पूरे 30 रोज़े होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस बार रमज़ान मुबारक के इंशाल्लाह पूरे 30 रोज़े होने का इम्कान है और ईद उल फितर इंशाल्लाह 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को मनाई जाएगी। नाज़रीन सोशल मीडिया का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है, आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस बार रमज़ान मुबारक के पूरे 30 रोज़े होने का इम्कान है और ईद उल फितर इंशाल्लाह 22 अप्रैल रोज़ हफ्ता को मनाई जाएगी।